भारत को आध्यात्म और साधना का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर हैं, जिनका विशेष स्थान है। इसमें से कई मंदिर बेहद चमत्कारी और रहस्यमयी हैं। इस वीडियो में हम भारत के ऐसे ही 5 चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिरों की बात करेंगे। नंबर 5, माँ कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या मंदिर भारत की शक्ति पीठों में से एक है, जो असम की नीलांचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। कामाख्या मंदिर में देवी कामाख्या की एक भी मूर्ति नहीं है। यहाँ पर माता योनि की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक, जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माँ सती का शव काटा था, तो कामाख्या में उनके शरीर का एक भाग गिरा था। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे थे, वह जगह शक्ति पीठ कहलाती है। यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, माँ सती के शरीर के अंग की पूजा की जाती है। कामाख्या मंदिर को शक्ति साधन का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है यहाँ पर सबकी मनोकामना पूरी होती है, इसी कारण इस मंदिर का नाम कामाख्या पड़ा। ये मंदिर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इसके पहले हिस्से में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है और दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर एक पत्थर पर हमेशा पानी निकलता रहता है। बताया जाता है कि इस पत्थर से महीने में एक बार खून की धारा बहती है। आखिर इस पत्थर से पानी और खून की धारा कैसे निकलती है, ये बात वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। नंबर 4, ज्वालामुखी मंदिर। हिमाचल प्रदेश के कालीधार पहाड़ी के बीच माता ज्वाला देवी का प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक यहाँ माता सती की जीभ गिरी थी। मान्यताओं के मुताबिक माता सती के जीभ के प्रतीक के तौर पर ज्वालामुखी मंदिर में धरती से ज्वालामुखी निकलता है। ये ज्वालामुखी 9 रंग में होती है। यहाँ 9 रंगों में निकलने वाली ज्वालामुखी को देवी शक्ति के 9 रूप माना जाता है। मंदिर में निकलने वाली ज्वालाएं कहाँ से निकलती हैं और इसका रंग कैसे परिवर्तित होता है, आज तक इस बात की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। इस ज्वाला को मुस्लिम शासकों द्वारा कई बार बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। नंबर 3, करणी माता मंदिर। करणी माता का मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक में स्थित है। ये मंदिर चूहो वाली माता के नाम से देश भर में प्रसिद्ध है। करणी माता के मंदिर में अधिष्ठात्री देवी की पूजा की जाती है। अधिष्ठात्री देवी के मंदिर में चूहों का साम्राज्य है। यहाँ करीब 2500 चूहे मौजूद हैं। इसमें से अधिकतर चूहे काले रंग के और कुछ सफेद और दुर्लभ प्रजाति के भी हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो लोग सफेद चूहा देख लेते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसमें सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि यहाँ पे चूहे किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाते। करणी माता मंदिर में इतने चूहे हैं कि यहाँ पे लोग पैर उठा के नहीं चल पाते हैं और इस मंदिर के बाहर एक भी चूहा दिखाई नहीं देता है। नंबर 2, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। मेहंदीपुर बालाजी धाम हनुमान जी के 10 प्रमुख सिद्ध पीठों में शामिल है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान हनुमान जागृत अवस्था में विराजमान हैं। बताया जाता है कि जिन लोगों के ऊपर भूत प्रेत और बुरी आत्माओं का साया होता है, उनके इस मंदिर में आते ही बुरी आत्माएं और भूत पिशाच पीड़ित व्यक्ति के शरीर से निकल जाते हैं। इस मंदिर में रात को रुका नहीं जा सकता है और यहाँ का प्रसाद घर भी नहीं लेके जाया जा सकता है। नंबर 1, काल भैरव मंदिर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महाकाल का ये प्राचीन मंदिर स्थित है। परंपराओं के मुताबिक भगवान काल भैरव को भक्त सिर्फ शराब ही चढ़ाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि शराब के प्याले को जैसे ही भगवान भैरव के मुख पर लगाते हैं, शराब के प्याले से शराब गायब हो जाती है। आखिर ये शराब कैसे गायब हो जाती है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। आप इस वीडियो से पहले इनमें से कौन से मंदिरों के बारे में जानते थे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।